हाय एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आज आपके बीच हूं और एक खूबसूरत शाम की कामना करता हूं आप लोगों के साथ। आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस लास्ट 2 weeks एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द अप्रिसिएशन आई हैव बीन गेटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ने वाली है वो बहुत कमाल की पर्सनालिटी है, बड़े कमाल के उनके उनका जज्बा बड़ा कमाल का है, बहुत कमाल के दिखते हैं, कमाल का बात करते हैं। उनको लोग अद्भुत कहते हैं, खुद भी वो सबको अद्भुत कहते हैं, सुपरस्टार हैं और वो स्पेशली बिहार यूपी की शान है। भोजपुरी समाज, भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी लोगों के दिल में बसते हैं, पूजनीय हैं। आई हैव बीन द विटनेस ऑफ हिज स्टारडम। उनका नाम है रवि किशन। हमारे साथ आज वो जुड़ेंगे एंड बड़ी खूबसूरत बात है कि यस्टरडे वॉज हिज बर्थडे एंड कल उनसे बात हो रही थी और देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है उनका कि कल उनका जन्मदिन था और इतने सारे लोगों ने उनको विश किया। खुद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विश्ड हिम एंड यस्टरडे वाज सो स्पेशल फॉर हिम। ट्विटर पे वो हैप्पी बर्थडे रवि किशन वाज ट्रेंडिंग एंड ही वाज वेरी हैप्पी। वी हैड अ वेरी स्मॉल कॉन्वर्सेशन। आई गेस वो कहीं इस वक्त पहाड़ पर हैं जहाँ पर नेटवर्क थोड़ा वीक है। उम्मीद करता हूँ इस सेशन तक नेटवर्क जो है वो हमारा साथ देगा ताकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस वक्त इस शाम को खूबसूरत बना सकें, याद कर सकें और बहुत कुछ सीख सकें। हमारे साथ बहुत जल्दी वो जुड़ जाएंगे। मैं सिर्फ बहुत ब्रीफली इतना बता देता हूँ कि रवि किशन क्यों। रवि किशन इसलिए क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत कम उम्र में उनसे प्रभावित हो गया था मैं। मेरे पेरेंट्स उनको बहुत लाइक करते हैं। मेरी पहली मुलाकात उनसे एक सेट पे हुई थी, एक रियलिटी शो के सेट पे हुई थी जहाँ पर मैं एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट था एंड ही वॉज द जज। वहाँ पहली बार मुलाकात हुई थी। वो ही वॉज द होस्ट ऑफ द शो, एक से बढ़कर एक, एंड आई वॉज परफॉर्मिंग। पहली दफ़ा वहाँ मुलाकात हुई थी। वो परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने भोजपुरी में मुझसे कुछ कहा था बोलने को। उनको पता था भोजपुरी मुझे नहीं आती है, ऑल्दो आई एम फ्रॉम बिहार, तो वो मेरा टांग खींच रहे थे और वो वीडियो बड़ा पॉपुलर हुआ था, बड़ा वायरल हुआ था। उसके बाद लास्ट टू लास्ट ईयर वी मेट सारे का मापा लिल चैम्स भोजपुरी के सेट पे, जहाँ ही वॉज द एंकर, ही वॉज द होस्ट ऑफ द शो एंड आई वॉज जजिंग दैट शो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो वहाँ मुलाकात हुई, वहाँ पर उनसे कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिला, उनको जानने का मौका मिला, वो उनको मुझे जानने का भी मौका मिला और पता नहीं एक अजूबा सा एहसास हुआ कि मुझे अभी तक लगता है कि इनसे मिलने की वजह जो है वो अभी तक न मुझे न उनको पता है। कुछ तो वजह है, कुछ ऐसा है जो घटित होगा हम दोनों के बीच, हम दोनों के साथ बड़ा सुंदर कुछ होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो मेरे लिए प्रेरणा के स्तोत्र हैं। वो बहुत सिर्फ वो एक्टर नहीं है, सिर्फ वो परफॉर्मर नहीं है, सिर्फ वो एंटरटेनर नहीं है, बहुत कुछ है जो रवि किशन को रवि किशन बनाता है। आज कोशिश करेंगे कि उनसे मैं जान पाऊँ वो कुछ बातें जो शायद ही बहुत कम लोगों को पता होंगी। उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे साथ खुलेंगे, दिल से दिल आज जुड़ेंगे और बात हो पाएगी अगर नेटवर्क हमारा साथ दिया तो। तो आप लोग भी प्रे कीजिए कि जहाँ वो हैं, जहाँ भी हैं, किसी पहाड़ पर हैं ऐसा बता रहे थे, नेटवर्क जो है हमारा साथ दे और हमारी बातचीत हो पाए। कैसे हैं आप लोग? मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के कमेंट्स और क्या कहते हैं जो आप लिखते हैं वो पढ़ नहीं पाता हूँ अभी। जब तक वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तब तक मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स और नाम पढ़ने का।
सबसे पहला नाम योगा विद कुशेंद्र तिवारी जी। योगी जी, देखिए आपका सबसे पहला नाम लिया है हमने, नमस्कार। तो आज का सेशन जो है बड़ा खूबसूरत होने वाला है। श्लोक श्लोक हाय श्लोक, नमस्कार। आशिक बमन, हाय आशिक बमन, मैं अच्छा हूँ। विकास, मैं अच्छा हूँ विकास, हाय। रीता किशोर जी, मेरी जो मम्मी है, टेक्निकली माय मदर इन लॉ, दीपाली की मम्मी भी देख रही हैं इस वक्त, इनफैक्ट मेरा पूरा फैमिली देख रहा होगा। मोहित भी है, हाय मोहित। वैभव, मैं एकदम अच्छा हूँ वैभव। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। अजय जायसवाल जी हैं, वन ऑफ माय फेवरेट कंपोजर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग मी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि किशन इज विद अस। रवि भैया, यू विल हैव टू सेंड मी अ रिक्वेस्ट, आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। लेट मी सी इफ आई हैव रिसीव Are we receiving any song on Chhat this year? I don't know. Lockdown में क्या हम कर पाएंगे और कहां तक कर पाएंगे? I don't know. Ravi भैया is with us, but भैया you'll have to send me a request. आपको request भेजना पड़ेगा, so that I can accept and then we all would be able to see you. रवि भैया, यू कैन एग्जिट, आप एक बार निकल जाइए इस सेशन से और फिर से आइए, और आपको एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा जहां पर मुन्नी बदनाम प्लीज। नहीं यार, ये मेरा सेशन नहीं है, थैंक यू वेरी मच। यहां आज हम सिर्फ बात करेंगे रवि किशन के बारे में। आशिक बमन लीजिए, आपका नाम मैंने बोल दिया। रवि किशन भैया इज विद अस, रिक्वेस्ट। हर हर महादेव। महादेव महादेव, कैसे हो आप? जय हो जय हो जय हो। एकदम सुखी है, एकदम आनंदित है भैया। थैंक यू वेरी मच फॉर accepting my request and a very 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 happy belated birthday. मुझे पता है पूरा हिंदुस्तान आपको विश किया है कल, तो और मैं भी था उसमें, लेकिन बहुत खूबसूरत लगा कि कल जो इतना बड़ा सुपरस्टार है और पूरी की पूरा का पूरा हिंदुस्तान उसको तहे दिल से इतना प्यार दिया। I felt so so blessed that I know you and you have been receiving so much of love. महादेव की कृपा रही, प्रधानमंत्री जी ने जब विश कर दिया परसों, और वो आशीर्वाद इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश ने कल हमको ट्रेंडिंग में डाल दिया। उसके लिए मैं आपके माध्यम से जितने लोग हमको देख रहे हैं इस वक्त, मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने हमको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया, आप सब लोगों के लिए हर हर महादेव कहता हूं, और जय हो शक्ति, जय हो सदैव। और हम लोग इस एक कठिन जो समय चल रहा है कोरोना काल, इससे बचें और हम लोग इससे उभर के बाहर आए, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ सारी शक्तियों से जो इस वक्त इर्द गिर्द है। मैं एक पहाड़ पर बैठा हूँ इस वक्त। जी मैं इनको बता रहा था कि आप पहाड़ पर हैं और नेटवर्क कमजोर है, तो मैंने बोल रखा है जितने भी ऑडियंस हमें देख रही है उन सबको कि ये प्रे करे कि सेशन के अंत तक ये नेटवर्क हमारा साथ देता रहे। जी जी जी, आप अभी जैसे अभी रात के सारे कीड़े और सारे प्राणियों की आवाज भी सुन रहे होंगे पीछे, बहुत फ्रेश साउंड्स आ रहे हैं। नेचर से जुड़ी हुई सारी, नेचर से जुड़ी हुई सारी शक्तियां अभी रात को आवाज कर रही हैं, और उस सेशन में आपके उसमें मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ। ये हम सबके लिए खुशकिस्मती है भैया। अभी मैं इन लोगों को बता रहा था कि रवि किशन को रवि किशन सिर्फ एक्टिंग नहीं बनाता है, रवि किशन को रवि किशन सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बनाता है ना एंटरटेनमेंट बनाता है, रवि किशन को रवि किशन बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारे तथ्य बनाते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है, जितने भी लोग आपको जानते हैं
उन सबको ये पता है कि रवि किशन जहां रहेंगे वहां महादेव जरूर रहेंगे। आपसे जब मिलो, जब आपको बाय बोलो, जब आपको हक करो, जब कोई बात बोलो, दुखित दुखद बात बोलो, सुखद बात बोलो, हमेशा महादेव के बारे में आप चर्चा करते हैं, नाम लेते हैं, हर हर महादेव, जय हो महाकाल। मेरा पहला सवाल है, क्यों महादेव ही है आपके साथ? बिकॉज सी, मैं, मेरा जन्म एक, जैसे आप अभी जितने लोग देख रहे हैं, बहुत कम लोगों को पता भी है, शायद पता हो, मैं एक प्रीस्ट के घर में, मेरा जन्म मंदिर में हुआ जी। और मेरा जन्म होते मैं अनगिनत भगवानों से मेरी मुलाकात हुई, और पापा के द्वारा, मेरे पिताजी पूज्य श्याम नारायण शुक्ला जी, तो उनके द्वारा वो हमेशा मुझे भिन्न भिन्न भगवानों की कहानी सुनाते थे, और मैं वो सारे भगवानों से आकर्षित होता गया। फिर मैं बड़ा हुआ, फिर मैं और भी धर्मों की तरफ आकर्षित हुआ, और मैंने बाकी धर्मों को भी पढ़ा, मैंने ऑलमोस्ट सारे धर्म की किताबें पढ़ ली, और मेरा रंगमंच वगैरह चलता था, लेकिन बीच में ये अध्यात्म भी चलता था, क्योंकि ये कहीं से तो ज्ञान आ चुका था। बचपन से सत्संग अच्छा रहा कि कहीं ना कहीं अध्यात्म के साथ, आप अध्यात्म अगर आपके अंदर है तो आप बहुत, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, कला में हैं, आज आम जीवन में, अगर अध्यात्म के साथ वॉरियर बनते हैं तो एक अद्भुत योद्धा बनते हैं। स्पिरिचुअल योद्धा अगर रहता है, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म भी है, अध्यात्म भी है, तो वो बड़ा ही सटीक योद्धा होता है। और जीवन एक कमाल का युद्ध है, तो उसमें जीवन के युद्ध में आपको योद्धा तो बनना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो वो मैं कर रहा था। फिर जब जब मुंबई शहर, जब पहले बंबई हुआ करता था जी, तो मुझे कभी किसी ने मदद नहीं की, कि भाग्य में नहीं था शायद, कोई आया नहीं, मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा, मुझे कोई बनाने वाला, सवारने वाला नहीं। महादेव मुझे दिखाई देने लगे, कभी मुझे पहाड़ पे दौड़ते हुए दिखते थे, कभी आसमान में उनका बड़ा भव्य स्वरूप दिखता था, अजीब सा, फिर अजीब सा प्रेम। और तो भोलेनाथ हैं, तो मुझे ज्यादा श्लोक या ज्यादा ये सब चीजों को याद करना, या मैं, मतलब वो भोलेनाथ हैं, माफ करते हैं, बहुत भोले भंडारी हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बड़े ही, जो कला के क्षेत्र में हूं, तो मेरे लिए सरल भगवान ये हैं। और मैं उनको इतना याद करने लगा कि जैसे मेरे शरीर में रम गए, और वो जब बहुत आप प्रार्थना, जब बहुत लीन हो जाए, जितना लीन होते हो आप, उनको आप करीब आने लगते हो, तो उनके श्लोक, उनकी बातें, उनकी वो वादियां, वो पहाड़, वो झरने, झील, और वो पहाड़, बर्फ, और वो मनाली और हिमालय, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करने लगी, और भोले से करीब आने लगा, और एक सुंदर सा रिलेशन हो गया, और एक मित्र की तरह, एक पिता की तरह, एक गाइडर की तरह, एक शक्ति की तरह, एक टूटता नहीं था स्ट्रगल के दौरान। और वो फिर महादेव महादेव आ गए, और ऐसे आए कि मेरा जीवन बना दिए, मुझे, मैं क्या, मैं मिट्टी से मुझे उठा के कहाँ पहुंचा दी, ये उन्हीं की कृपा है मुझ पर। शिव शिव शिवांश है मेरे सर पे चढ़े रहते हैं। क्या बात है, बहुत 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 खूबसूरत। ये ऐसे ही जवाबों की उम्मीद है आपसे, इससे कम नहीं। मैं इसी जो बात आप कह रहे हैं, आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, तो मेरा दूसरा सवाल है, इस वक्त पूरे पृथ्वी पर, इनफैक्ट इस देश में सबसे ज्यादा, जो दो सबसे बड़ा मुद्दा है, या जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो धर्म और अध्यात्म है। भैया, आपके लिए क्या परिभाषा है धर्म और अध्यात्म का, और रवि किशन किसका हाथ थाम के रखा है, धर्म का या अध्यात्म का? देखिए, धर्म नहीं है तो वहां पर, धर्म नहीं है वहां पर, आप ना सही राजनीतिज्ञ बन सकते हो, ना आप देश चला सकते हो, ना आप कानून व्यवस्था को संभाल सकते हो, ना आप कोई बड़े पद पे बैठ सकते हो। धर्म रहने से आप अच्छे बुरे की समझ होती है, आपने गलत क्या है, सही क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो अध्यात्म धर्म होना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति, हर इंसान को, सही दिशा में जाता है, सही राज पे जाता है। जितने भी राजा रहे, भगवान रामचंद्र से लेके जितने भी राजा गौतम बुद्ध से रहे, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज राजा रहे, आप सब लोग देखेगा, वो सारे लोग धर्म से जुड़े रहे।
और धर्म आपको सही दिशा देता है, धर्म आपको एक संचालन करने की शक्ति देता है, नहीं तो आप प्राणी बन जाएंगे, क्योंकि जानवरों को ये ज्ञान नहीं होता, प्राणियों में ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ मनुष्य में ज्ञान होता है, उसके पास इच्छा शक्ति होती है, उसके पास मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वेर ही कैन अंडरस्टैंड थिंग्स गुड, अदरवाइज आप एनिमल्स की तरह हो जाएंगे, आप एनिमल की प्रजातियां, फिर आप एनिमल की तरह हरकतें करेंगे, इसीलिए धर्म होना, और ये मनुष्य सिर्फ कर सकता, इसको अडॉप्ट करना, इसको समझना कि इतनी सारी इंद्रियां कैसे हैं, इतनी वायरिंग कैसे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आपको ये दिमाग में, मैंने आपके सवाल को सुना, मेरे दिमाग में स्कैन किया, मेरी मेमोरी बॉक्स से गया थी, या मेरे हार्ट से वायर कनेक्ट किया और मेरे शब्दों में आया, ये किसने, ये साइंस किसने फिट किया था, ये मैकेनिज्म जो शरीर में हमारा 600-700 पाउंड का पावर लेने वाला ये शरीर क्या नहीं करता, यही शरीर कमांडोज भी है, सोल्जर्स भी हैं, गोताखोर भी हैं, यही शरीर से हम लोग, मैं एक्शन फिल्में करता हूं, मैं जंप मारता हूं, मेरी हड्डियां सब टूटी एक्शन में, मैं कितने बार मौत के मुंह से निकला हूं ऐसी ऐसी फिल्मों में, तो ये शरीर फिर वापस से अंदर लिक्विड बनाता है, आपको रिकवर करता है, अंदर फाइटर सेल्स हैं, आपके इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, जो आजकल कोरोना में जहां कमजोर होता है तो अटैक होता है, आप वर्कआउट करके इस शरीर को अगर मंदिर की तरह पूजा करते हैं, इसको संभालते हैं, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करते, इसमें शराब, गलत चीजें, नशा वगैरह डाल डाल के, ड्रग्स, केमिकल्स, ये जो आजकल बहुत सारे लोगों को ये सब नशा पत्ती का आदत लगा दिए हैं लोग, और या लोग खुद ले रहे हैं, तो वो दे आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ, फिर आपको ये सारी बीमारियों से आप ग्रस्त होते हैं, और ईश्वर ने एक आपकी लाइफ का एक स्पैन दिया है, उसको छोटा करके आप तुरंत मर जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें, सो इट्स ऑल लॉट ऑफ कनेक्शन, तो धर्म, अध्यात्म, संस्कृति इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को जानना जरूरी है कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कितना पुराना था, हम लोग कितने साल से हैं, हम लोगों का इतिहास क्या था, हम लोग क्यों हिंदू हैं, क्यों हिंदुत्व है हम लोगों को, ये धरती क्या थी, ये श्लोक्स क्या थे, प्रधानमंत्री जी ने हमको जब चिट्ठी भेजी तो उसमें आपने वो चिट्ठी पढ़ी होगी ट्विटर पर वगैरह, उसमें संस्कृत में आशीर्वाद था, पढ़ा मैंने, तो ये हम लोगों के सब हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज लोग थे, हम लोग वही ब्लड से चले आए, तो अध्यात्म संस्कृति आज आपके चेहरे पे जो शालीनता और जो शांति है, क्योंकि कहीं आप भी बहुत बड़े शिव भक्त हो और अध्यात्म आपके पास है, आप माँ भगवती की भी कृपा है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है, एंड देन यू बिकम, देन आप एक नाम करके आपकी मृत्यु होती, नहीं तो आप आए हो धरती पे बाल बच्चा पैदा करने, खाना खाने, दो चार प्रॉपर्टी बनाने, दो चार गाड़ी खरीदने, कि आपका, क्योंकि हर, मुझे मेरा मानना है कि जितने इस वक्त सुन रहे हैं हम लोग जी इंस्टा के माध्यम से, ऐश्वर्या निगम के इस चैनल पर, वो मैं सबको कहूंगा कि आप सब लोग, मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप सब लोग किसी कारणवश धरती पर आए, सब लोग, कोई अनासे ऐसे पैदा नहीं होता, तो वही जो जान ले कि मेरी मृत्यु अनजान ना हो, और मैं मर जाऊं और अगल बगल पड़ोसी को, जिले को, गांव को, शहर को ना पता चले, तो ऐसी मृत्यु नहीं होना चाहिए, और ठान लेना चाहिए कि राष्ट्र प्रेम क्या है, ये धरती क्या है, जीना खाना, दाल रोटी कमाना, सब लोग, मैं भी बहुत मिट्टी के घर से आया, मैं इसलिए आपको रोकूंगा क्योंकि मेरा अगला सवाल यही है, कुछ ही दिनों पहले आपने किसी एक इंटरव्यू या लाइव सेशन में बोला था कि आपने कहा था कि हम पैदा क्यों हुए धरती पर, खाने, शादी करके बच्चा पैदा करने, नहीं, लेकिन आपने बताया नहीं कि हम क्यों पैदा हुए, क्यों पैदा हुए भैया, हम सब लोगों का रीजन है, देखिए आप पैदा हुए, पहले बात तो आप माता पिता को सिक्योर कर लो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, फिर पे बैक टाइम होता, फिर प्रकृति को आपको लौटाना है, देखो नेचर सब कुछ ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, पेड़ पौधा, पानी वगैरह, एवरीथिंग नेचर, गेहूं, ये अनाज, सब कुछ आपको प्रकृति ने, भगवान ने, फल वगैरह सब कुछ दे दिया, कोई बिल भी नहीं आता ऊपर से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का तो बिल आ जाता है, बिजली का, नल का बिल आ जाता है, लेकिन प्रभु ने, महादेव ने, ये जो भी आप भगवान अपने सब लोग मानते हैं, कोई बिल नहीं, तो आप सब लोग आए हो तो प्रकृति बोलती है, जब मुझसे ले रहे हो तो जब थोड़े सक्षम मैं तुमको बना देती हूँ तो मुझे लौटाओ भी, मानव सेवा, यू नो, तो आपको लौटाना भी, सो यू हैव टू, आप आए हो, पे बैक, एक अंग्रेजी में कहा बात है, पे बैक टाइम,
व्हेन यू अचीव समथिंग, आपके पास 100 रुपया आ चुका है तो उसमें आपको करीबन 10 से 20 रुपया 25 रुपया पे बैक करना है. आपका 1 लाख आ गया तो 20-25 हजार खर्च कर दीजिए गरीबों पे, पर 2 लाख आ गए आपके पास 50 लाख, 1 करोड़ आ गया, 10 करोड़ आ गया, 20 करोड़, 100 करोड़ आ, उस हिसाब से उसका एक परसेंटेज है वो प्रकृति को मानवता को देते रहिए. कुछ कार्य करिए, वो जाना खाली हाथ है. हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जी. बनारस, सनी देओल साहब के साथ, मोहल्ला 80, तो हम नाम बहुत ही खूबसूरत मूवी है, बहुत खूबसूरत मूवी है, आपकी एंट्री सबसे धमाकेदार है जी. मणि गाइड बने थे कन्नी गुरु तिवारी जी जी जी. वो मणिकर्णिका घाट पे वहां 24 घंटे लाशें जलती है. तो हमने देखा, सनी सर को भी बोला, मला देखिए हो सर वो क्या हो रहा. तो बॉडी थी तो अंगूठी ऐसा पहनी थी, वो बॉडी उसका अंगूठी तेल लगा के परिवार वाले निकाल रहे. तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार या लोग अंगूठी भी नहीं ले जाने देते, अंगूठी भी निकाल देंगे, आप खाली हाथ जाओगे और आप बॉडी बन जाओ. आपका जो नाम भी दिया गया ऐश्वर्या रवि किशन या जो जो भी नाम है आप सब लोगों के, ये सिर्फ नाम रहेगा, नाम भी चला जाएगा. अचानक बोले बॉडी कितने बजे आएगी, आप बॉडी बन जाते. आपका नाम जो दिया गया, जो मतलब कुछ नहीं सब कुछ, और आप एक सफेद कपड़े में जाता, आपका जीन्स पैंट ट्राउजर महंगे जूते सब कुछ, गाड़ी घोड़ा, आप जमीन पे लेटे हो लकड़ी पे, प्रेम से निकल लेते. तो ये जीवन का बड़ा अद्भुत सा बहुत सुंदर सा सच है, जिसको जान लो तो शरीर 5 ग्राम का हो जाएगा, एकदम हल्के हो जाओगे. है ना, इतना ऐंठ लेके, बोझा लेके कि मैं और हम ये करते थे और मैंने ये किया और मैंने ये पहाड़ बनाया और मैंने ये चिड़िया उड़ाई. तो ये क्या बात, मतलब ये इंस्टाग्राम सेशन बहुत तुच्छ लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मेरा सौभाग्य होता है कि वहां बैठकर ये बातें आपसे कर रहा होता, बहुत बहुत सीखने को कुछ है. मुझे लगता है कि जो रवि किशन है, ये मेरा एक मेरा परसेप्शन है कि गृहस्थ सन्यासी है. अरे नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मजा आ रहा है, जीवन इतना सुंदर है कि सोचो हम कहां से कहां आ गए. अब हमको देवतुल जनता ने गोरखपुर की, गोरक्षनाथ बाबा की अद्भुत पूज्य महाराज जी मोदी जी का आशीर्वाद है, तो हमको आज वहां सांसद बन गए, 7 लाख करोड़ से ज्यादा में एक इतिहास रचा गया वहां. और मैं वही गोरक्षनाथ बाबा शिव अवतार है वही, और मैं महादेव भक्त हूँ. महादेव की पूजा मुझे वहां खींच के ले गई, नहीं तो हम कहीं और से भी सांसद हो सकते थे. क्यों हमको गोरखपुर से जाए, क्यों हम वहीं से जाए. और वहां पे हमेशा संत, वहां संत, वो तपोभूमि है, संत रहे हैं सांसद हमेशा वहां पर. वो इतनी तप वाली जगह कि संत ही उसको संभाल पाया, और उसमें हमको एक सिनेमा के कलाकार को वहां पर प्रभु की कृपा देख रहे हो कैसे रचना रची हमको और वहां ले जाके प्लेस कर दिया, और हम गोरखपुर के सांसद बने. कितनी तो ये पूजा पाठ लीन अध्यात्म ये कभी बेकार नहीं जाता. अच्छे कर्म सोच भाई, अच्छा सोचोगे तो आप पीनो. जैसे एक एक कैंडल एक दिया जलता है, अब ऐश्वर्या ऐश्वर्या को भी हम बोले तुमने भी एक दिया जला दिया, हम तीसरे को बोले भाई तू भी जला दे, चौथे को भी, तब सोचो वो जगह कितनी रोशनी हो रही. अपने अकेले थोड़ी दौड़ना है कि खुद बन गया निकल लो, स्वार्थी बनना नहीं. अब खुद बने, दूसरे को बढ़ाओ, इसको भी बढ़ाओ, उसको भी बढ़ाओ, आओ आओ समूह, वो पूरी जगह ज्योतिमय हो जाएगी, तेज हो जाएगा वो इलाका, वो शहर, वो जिला, वो गांव, वो शहर, वो देश. वही तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं. तो एक साथ एक एक अलख जगनी चाहिए, अलख बहुत जरूरी है. और फिर आप अरे अभी तो ये ऐसा समय चल रहा है ना कि यहाँ पर अभी सिवाय आप प्रार्थना के, सिवाय एनर्जीज को धन्यवाद देते और प्रणाम करते, नहीं तो ये कोरोना है जो निगल रहा है, इसे बहुत सारे वायरसेस आएंगे. हम लोग जो जो बोए हैं वही पा रहे हैं. ये ईश्वर ने हल्का सा प्रसाद भेजा है, छोटा कोरोना, उसमें हम पूरा विश्व पगला गया, घबरा गया. लोग दौड़ रहे थे, परिवार दौड़ रहे थे, घर दौड़ रहे थे, गांव से दौड़ रहे थे, भाग रहे थे पैसा कमाने. अभी सब लोग बंद हो गए, बाहर जाने से डर रहे. क्या ईश्वर ने, पत्नी का चेहरा अच्छा लग रहा है आपको, देवी लग रही, बाल बच्चे समझ में आ रहे हैं, बाल बच्चों की क्लास पता चली, अच्छा तुम ये यहाँ पढ़ते हो,
ओह इतना परसेंटेज, ओह यू आर गुड इन मैथ्स, ओह यू गुड इन साइंस, ओह योर हिस्ट्री इज गुड, हाउ इज योर मराठी, यू स्टार्टेड योर चिल्ड्रन, एवरीबॉडी जस्ट स्टॉप्ड एंड मालूम पड़ा पत्नी ही बगल में, मालूम पड़ा बाल बच्चे ही हैं, बाकी ऐसा लग रहा सारे लोग गायब, वही सत्य है, बाकी सब सब कुछ। बहुत खूबसूरत भैया, मैं बहुत 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 खूबसूरत, मैं बोल रहा था कि शिव की भक्ति और तुम बीच में हमसे पूछ लिया करो। जी 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 नहीं, मैं कह रहा था कि शिव के साथ शिव की भक्ति और मैसेजेस भी देख लो ऐश्वर्या, कुछ तुमको मैसेजेस भी कर रहे हैं। हाँ मैं मैसेजेस भी पढ़ूंगा और आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास कुछ रवि भैया से पूछने के लिए बड़ा अंदरूनी अंदरूनी कोई सवाल है तो आप लिखिए, आपका सवाल एंड ऑफ द सेशन में मैं लेकर आपसे पूछूंगा। भैया इतनी कमाल की इतनी खूबसूरत बात हो रही है, लेकिन इजाजत लूंगा आपके बचपन में चले। चलो, सबसे पहली आपकी मेमोरी, सबसे पहली याददाश्त आपका खुद को लेकर क्या है? सबसे पहली यादें तो हमारी करोड़ों यादें, सबसे पहले जो आपकी कॉन्शियस मेमोरी हो आपके बचपन की। हम डिस्को डांसर के गाने मिथुन चक्रवर्ती बन के नाचते थे, कृष्णा धरती पे आ जा तू, तो थोड़ा मिथुन दादा की तरह टेढ़े भी थे, लंबे बाल थे हमारे, हमको बड़ा इमेजी में आजा 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 अच्छा डिस्को डांसर, तो मुझे ऐसा लगता था वाह। और अमिताभ बच्चन साहब जब बोले दीवार फिल्म में कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता, तो वहीं हम पक, हम बोले भाई ये लोग कौन लोग हैं यार, ये लोग कौन लोग हैं। बलराज साहनी साहब की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में शर्ट फोल्ड करके नेचुरल एक्टिंग, तो उनके शर्ट की बाहें हमेशा ऐसी फोल्ड रहती थी, तो मुझे यार ये कैसे कलाकार हैं, ये मतलब इतना नॉन नेचुरल कैसे रहते हैं, जैसे मुझे लगता था हीरो हमेशा टाइट हीरो कड़क रहेगा, तो वहां से हमको एक्टिंग का संजीव कुमार साहब ये लोगों ने बड़ा अट्रैक्ट किया, एक डेविड साहब हुआ करते थे, तो ये सारी मेरी उनकी यादें। फिर रामलीला में सीता हम बनने लगे, अच्छा हम कोई बुक ऑलरेडी बुक थे, रावण बुक थे, तो हमारे लिए कोई और रोल नहीं था, तो हम शार्प नयन नक्श थे हमारे बहुत। तो ये जो आपकी मेमोरी है जो मिथुन दा के गानों पर नाचने की, ये आपकी सबसे पहली मेमोरी है बचपन की? हाँ मैं डांसर, कितने साल के होंगे तब आप? आई डोंट नो, मस्ट बी 13 14 12 11 सुरक्षा, मिथुन दादा की फिल्में, अमिताभ बच्चन साहब की फिल्में, ये हमको बहुत गया, छोटे थे तब से एकदम रेडियो पे गाना बजा के मौका मिला कहीं शादी, वहीं पे उछल के पहुंच गया, पता चला किसकी शादी, पता नहीं नाच रहा हूँ पूरी रात। भैया अगर वो 12 साल वाला रवि अगर आज इस वक्त जहां आप हैं, जिस भी पहाड़ के बीच में आप हैं, अगर 12 साल वाला रवि इस वक्त आपके सामने आकर बैठ जाए और आसपास कोई भी नहीं हो, सिर्फ आज का रवि किशन और 12 साल वाला रवि, कोई ऐसी बात है जो आप उससे कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं, उससे क्या, वो आ जाता है हमसे मिलने वाला रवि, तो हम नाचने लगते हैं, शिव तांडव करते हैं आजकल, अचानक नहाने लगता हूँ, बरसात में भीगने लगता हूँ, पूजा करने लगता हूँ, श्लोक पढ़ने लगता हूँ, वो रवि आता तो उसको भी अपने उसमें ले लेता, क्योंकि अभी वो रवि भी मेच्योर हो गया जो 12 साल का, तो वो उसको भी शायद अपनी ग्रोथ पता थी। पिताजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सच्चाई का रास्ता थमाया, और ये जितने सुन रहे हैं मैं सबको कहूंगा कि सत्य का रास्ता में समय लगता है थोड़ा, हमको भी बड़ा समय लगा, मेरी 30 साल की 650 फिल्म जो की, लेकिन इस यात्रा में बहुत सारे लोग हमको जन्मदिन के, सबको धन्यवाद भैया, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सारे लोग हमको मैसेज कर रहे हैं जन्मदिन के लिए, थैंक यू सो मच, वाह वाह वाह, जय हो जय हो, हम पढ़ रहे हैं सबको, वो ऐश्वर्या जी बताएंगे, रिप्लाई हम सबको दे रहे हैं बाबू, सब लोगों के हो जिनके जो रिप्लाई चाहिए यहाँ ले ला हो, जिंदगी झंडबा फिर बोला। आप लोग अपने अपने बेस्ट विशेस और क्वेश्चंस भी लिखते रहिए, सेशन के अंत में एक सवाल दो सवाल जो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं भैया से पूछ सकूं।
जो उस लायक होगा, जो उस योग्य होगा, मैं पूछूंगा। जी भैया बोल रहे थे। तो वो जब वो 12 साल का रवि आता है तो आप एकदम मस्त मौला आप नहाने लगते हैं और शिव तांडव करते हैं और बेसिकली जागृत हो जाते हैं। या बिकॉज वो मुझे वो आता है रवि वो पास्ट को, दैट इज व्हाई इट मेड मी वेरी नॉर्मल। लोग इतनी फिल्में करने के बाद और सारे दिग्गज डायरेक्टर मणिरत्नम सर से लेके श्याम बेनेगल, अनुराग कश्यप, दिग्मांशु, सारे जितने भी देश के दिग्गज डायरेक्टर हैं या तेलुगु के हैं तमिल के हैं, मैंने सबके साथ ऑलमोस्ट काम किया। जी 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 बड़ी फिल्में भी की, अपनी एक इंडस्ट्री की रचना रचने में महादेव ने साथ दिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो बंद थी। बिल्कुल एब्सोल्युटली, हम उस पे भी आएंगे अभी। मैं हमको उसमें हमको भगवान ने एक एक निमित्त चुना, एक माध्यम चुना उसके लिए मैं। उसके बाद भी सांसद माननीय लग गया तब भी हम जमीन ग्राउंडेड है बिकॉज वो पास्ट को मैं कभी भूला नहीं जहां से मैं आया जी। और जैसे ही आप अपने पास्ट को या अपने इतिहास को नहीं भूलते और को या जिन लोगों ने आपके साथ साथ चले हैं, आई थिंक यू हैव टू बी वेरी कूल, नथिंग टू गो क्रेजी अबाउट। ऐसा कुछ नहीं है जीवन में जिसके लिए आपको स्वयं को पगलाने की जरूरत है। लोग आप नॉर्मल रहे, उनको लग रहा है कि वो मैजिक होता है, दैट्स द ब्यूटी। ये अदा आपकी मुझे सबसे सबसे कायल कर देती है। आपसे पहली मुलाकात हुई थी एक से बढ़कर एक के सेट पे, और यही अदा थी आपकी मेरे परफॉर्मेंस के पहले, जो मैं बहुत ज्यादा खिंच गया था, बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था आपके प्रति, अभी भी है इनफैक्ट। अब तो मेरा सौभाग्य है कि आपसे क्लोज हूँ, आप जानते हैं, आपसे सीखने का मौका मिलता है। भैया सांसद की बात आप कर रहे थे, एक ये तो कह लीजिए कि एक सुपरस्टार को इतना आशीर्वाद और इतना प्यार मिला कि आज वो गोरखपुर का सांसद बनकर बैठा है, और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं इस सेशन में और करते आए हैं, मैं बोलूंगा कि शिव के साथ ने और लोगों के प्यार ने बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन को उस जगह पर खड़ा किया है जहां अभी आप हैं। तो सबसे पहले तो सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपको इतनी मोहब्बत इतनी इज्जत देने के लिए। मेरा सवाल है आपसे, ये बड़ा जेन्युइन सवाल है मेरे अंदर का, मेरा सवाल है कि भैया राजनीति में रहकर राजनीति किए बिना राजनीति करना संभव है क्या? देखो पहली बात, बहुत श्रेया बहुत सही सवाल किया तुमने, एंड आई एम हैप्पी दैट यू साउंडिंग वेरी मैच्योर्ड एंड यू वेल प्रिपेयर्ड। तुमने अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया और बहुत बुद्धिमानी के साथ तुम सवाल अपना कर रहे हो। और जब कोई सवाल अच्छा करता है, और वो भी जो कि यू आर अ सिंगर, तुमको इतने अद्भुत सिंगर हो, इतने अच्छे रेंज में गाते हो, पंचम से उठाते हो, पंचम खरच तक ले जाते हो, वो आदमी ऐसी मैच्योर बातें कर रहे हैं तो तुमसे हम बड़े प्रभावित। और तुम उम्र में भी इतने छोटे हो और बिहार में बड़ा सम्मान है, बिहार की तुम शान हो, तो मैं तुमको यही कहूंगा। और तुम्हारी धर्म पत्नी भी उतनी ही अद्भुत गायिका है, तो आप जितने देख रहे हैं, ऐश्वर्या बहुत बड़े कलाकार है और बहुत बड़े सिंगर है। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए पहली बार ऐश्वर्या बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये मेरी पढ़ाई है क्योंकि मैं पार्लियामेंट में रोजाना जाता हूँ, मैं बहुत वहाँ बहुत भव्य लाइब्रेरी है और मैं बहुत पढ़ता हूँ क्योंकि मैं नया एंड आई वांट टू लर्न, दिस इज नॉट माय प्रोफेशन। तो मुझे वो पढ़ना था कि पहले 47 के बाद जितने सांसद माननीय सांसद आए वो लोग क्या बोले थे, क्या कोर्ट किए थे, प्रधानमंत्री लोग क्या बोलते, क्या कानून बना था, कैसे बनता था, ऑल दैट विल बी रिकॉर्डेड। आपको जाना है भव्य अंदर पार्लियामेंट के अंदर लाइब्रेरी है, हम सारे माननीय सांसद लोगों को मौका मिलता है वहां बैठ के पढ़ने का, और उसके बाद हम लोग सवाल पूछना पड़ता है। तो सवाल पूछना क्षेत्र की परेशानियों को, अपने देश की बातें, क्योंकि आप वो न्याय के लॉ के सबसे बड़े मंदिर में देश के बैठे, सबका मंदिर है, बहुत सुंदर जगह है पार्लियामेंट, बहुत ही वहां से देश गठित हुआ, वहां से देश की सुंदरता भव्य बन रही है। जो अभी आप देश देख रहे हो, भारत आज पूरे विश्व में उसका जो डंका गुजरा 2014 के बाद एक अद्भुत करवट मारा। बिल्कुल, सो वो हम पढ़ते हैं। और मैं वेवज है, मैं कहा था राजनीति के बारे में आप बता रहे थे, मैंने पूछा था राजनीति में रहकर राजनीति किए बिना राजनीति करना संभव है या नहीं। पढ़ते महसूस किया ऐश्वर्य बाबू, तो मैंने ये महसूस की
राजनीति में रह के आपको राजनीति करनी नहीं, पॉलिटिक्स करनी नहीं, क्योंकि ये खुद ही आपको इतना नचा देगी कि आप पागल हो जाओ। राजनीति में हैव टू बी द वे यू आर, आपको सीधे चलना है, आपको सीधे बातें करनी है, यू हैव टू बी स्ट्रेट। आप मानो सेवा का नाम लेके वोट पाए हैं कि मैं सेवा करना है, आपको ऑनेस्ट, आपको त्यागी बनना है, जैसे मोदी जी योगी जी, जैसे पूरी एक विचारधारा अभी चल रही है देश में त्यागियों। अब लूटने खसोटने और कि मैं भी फार्म हाउस बना लू, मैं भी फरारी या रोल्स रॉयस में घूमू, या मेरे भी प्लॉट, मेरा हेलीकॉप्टर हो, उस लालच में पड़ो आप दरिद्र बन जाओ, क्योंकि आप देश जागता है। अभी पूरा इंटरनेट का जमाना है, आप अगले पूरे विश्व में चर्चित हो जाओगे अगर गलत काम, और आपको ये सब नहीं करना चाहिए। फिर राजनीति पैसा जो मेझे लगता है, पैसा कमाने का माध्यम नहीं, ए सिंपल। अगर आप आए हो तो फिर आपको चुना है तो आपको सेवा करनी है, टास्क है, 24 घंटा फोन ऑन रखना, आपको जवाब देना, आपको आपको लोकल नाली से लेके आपको संसद भवन में बड़ी समस्या रोजगार तक की भी उठानी है, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची के लिए भी बात करनी है जो कि हमने किया सबसे ज्यादा। There are many things which I'm doing it and which राजनीति में आपको simple you have to be the way you are. Okay. एक तो कलाकार हुआ तो आप कलाकार में जैसे MGR थे तमिलनाडु में, जो वहां के हीरो स्टार थे, और बहुत ने वहां का अध्याय ही बदल दिया राजनीति का तमिलनाडु में। NTR थे आंध्र प्रदेश में, उन्होंने रेवोल्यूशन लाया और आंध्र प्रदेश एक नया आंध्र प्रदेश बना, एक जग दिलोक रेवोल्यूशन जयललिता जी है। ऐसी जैसे स्मृति ईरानी जी, तो कलाकार बारे में धारणा टूट गई कि कलाकार खाली क्राउड बटोरने के लिए। बिल्कुल हाँ, बिकॉज वेरी से बाबुल सुप्रियो जी इतना अच्छा काम करें, सिंगर थे हमारे पुराने मित्र, मेरे पड़ोसी थे, आज वो उतना काम कर रहे हैं। तो बिकॉज एक तो एकदम दिल से जुड़ते हैं, क्लीन हार्टेड होते हैं, गलत काम के लिए 1,000-1,00,000 पास सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार इतना तो हम कमा ही लेते थे एक्टिंग करके या जो भी काम करके। यहाँ सेवा करिए और आप देश बहुत, और देश बड़े बारीकी से आपको देखता है, आपके हर मूवमेंट पर नजर। तो राजनीति में आइए तो रहिए, अब ये समय बदल गया, पुराने वाली बातें, पुराने जो फिल्मों में हम लोग देखते थे एक नेता ऐसा होता, अब वो ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी आए सब कुछ धो के एकदम साफ कर दिया, तो खुद ही 18 उसके बाद आप नॉर्मल हो ही जाओगे। जब आपके नेता आपके जो प्रधानमंत्री हैं, सोचिए हमारा जन्मदिन था, हमको एक दिन पहले ही चिट्ठी भेज दी, वो लेवल सोच आम एक अदना सा कार्यकर्ता हूं जी, मेरी क्या विसात 135 करोड़, कुछ नहीं, लेकिन उनका उनकी सोच, उनका केयर, उनका थॉट देखिए हमारे प्रधानमंत्री, कि एक रात पहले हमको विश करते हैं बर्थडे का, आशीर्वाद देते हैं। अनबिलीवेबल, आई नेवर like prime minister most popular in the world, इतने popular leader हैं पूरे विश्व में उनका नाम, वो हमको जी आती है और उनका संदेश समझ रहे कैसे घर में कैसे family and everyone is nice, एकदम सब लोग अच्छे हैं। हम लोग इस वक्त पटना में हैं और 14 दिन के लिए क्वारंटीन है। आपकी आवाज कट रही थी भैया। वैवाहिक जीवन कैसे चल रहा है? वैवाहिक जीवन अति सुंदर चल रहा है, महादेव की कृपा है। ये थॉट क्या आया, ये इंटरव्यू लेने का क्या मन किया, ये क्यों शुरू किया? बहुत कमाल का सवाल है जो मैं सोच रहा था कि कोई मुझसे पूछे तो मैं बता सकूं, और जितने भी लोग हैं, ये इंटरव्यू तो नहीं है, और ये थॉट आया था, मैं एक्चुअली बाथरूम में था, और ये लॉकडाउन और ऐसे चारों तरफ से जो बंद सब सारे पॉसिबिलिटीज बंद दिख रहे थे, मैंने सोचा ये बहुत अच्छा समय है कि कुछ सेंसिबल बात किया जाए, और अगर वो लोग सेंसिबल बात करेंगे जिनको लोग ऑलरेडी जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सीखने को मिलेगा। I called up सोनू भैया, सोनू निगम भैया, और मुझे लगा नहीं था कि वो हाँ बोल देंगे, एंड ही वॉज रेडी। आई डिड द सेशन और इतना खूबसूरत सेशन हुआ है, इतनी सारी बातें वो बताए हैं जिनसे कि मैं और जितने लोग जुड़े हैं वो सीख रहे होंगे। फिर आई डिड विद दिया मिर्जा, ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन,
और आज का तो हमको लग रहा है कि एक महादेव का महादेव की कृपा है, ये तो आइकॉनिक सेशन होने वाला है, इतना सीखने को मिल रहा है, कमाल है भैया, मतलब इतनी इतनी खूबसूरत बात है। इंस्टा लाइव वगैरह से थोड़ा सा मैं वो मैं मोस्टली नहीं आता सामने, बिकॉज कार्य इतने रहते हैं और मुझे लगता है क्या बात करूंगा, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ सारे सेशंस वगैरह मोस्टली, और अपने काम में लीन रहता हूँ। लेकिन चूंकि तुम छोटे भाई हो, तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हें हम ना नहीं बोल पाए। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत खूबसूरत बात हुई है। मेरा मेरे दो सवाल से बच गए। रवि किशन रोता है? देखो, ये साल मेरे लिए बहुत सुंदर भी रहा, मैं सांसद बना, और ये साल मेरे लिए बहुत दुखी भी रहा। मैं अपने जी गुरु, मेरे सर्वस्व, मेरे पिताजी को मैंने खो दिया। जी और 31 की रात थी, 31 की रात संदेश आया कि वो नहीं रहे बनारस में, हमको जाना पड़ा। और अगली सुबह हम पहुंचे, फिर उनको लेके गए, 1 तारीख को उनका दाह संस्कार हुआ। तो जैसे मैं अस्पताल गया, उनके उनके पार्थिव शरीर को लिया, तो बहुत सारी भीड़ जमा हो गई और सब लोग अपना अपना मोबाइल निकाल के सब लोग वीडियो बनाने लगे। नेचुरल, हम जहां जाएंगे वीडियो बनता है, वो फैंस हैं, प्यार करते लोग। हम कुछ बोले नहीं, मैं अपने पिता के गम में था और मैं शांत रहा। तो पहली बार उनका शरीर देखा एकदम, और उनका देखा कि जो इंसान स्ट्रांग थे पूरी लाइफ, उनका हाथ इतना, मेरा जो हाथ है उससे बड़ा मजबूत हाथ था पहलवान, दो उनकी एक उंगली थी, वो हाथ ऐसे गिर गया उसको उठा के वापस से। और वो जो खड़े रहते थे, जो आवाज देते थे, चेहरे पे वही उनके ललाट थी, क्योंकि साधु आदमी पुजारी थे, तो चेहरा उनका ऐसे सुंदर था। और मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं शॉक में रहा और मैं रो नहीं पाया, आंसू नहीं निकले। फिर मैं, महादेव की कृपा रही कि पूरा बनारस उनको घुमाया, उनके पार्थिव शरीर को, क्योंकि उनका वो लीन रहते थे वहां पर हमेशा, बनारस बनाते। मेरे साथ मुंबई में थे जब, काफी एंड में मैं उनको अपने पास बहुत समय से रखा था, अस्पताल वगैरह की सुविधाओं के वजह। तो मैं वहां उनको बनारस उस दिन उनका पार्थिव शरीर घुमाता रहा, हर गली से लेके घुमा घुमाया घुमाया उनको, फिर महादेव की गली से निकल के फिर मणिकर्णिका घाट पे उनके पार्थिव शरीर, तो बहुत भीड़ जमा हो गई, बहुत भीड़ हो गई, पूरा बनारस जान गया कि रवि किशन के पिताजी नहीं रहे, और रवि किशन पिताजी को लेकर घूम रहे बनारस। और मैं घूम रहा था, फूल फेंके जा रहा था और वो सब लाइव वगैरह फेंकते हैं, रो नहीं पाया क्योंकि वहां भी भीड़ थी। फिर उनको अग्नि हमारे बड़े भैया दिए, तो वहां से फिर मैं एक्चुअली एकाध बार कहीं आंसू आए हूं, महादेव का कुछ श्लोक सुन रहे थे, अंदर ही थोड़ा निकले, लेकिन जनरली कहूं दिल से तो मैं अभी तक रोया नहीं। और मुझे लगता है मैं बहुत खतरनाक रोऊंगा तभी, पिताजी का सब कुछ और बहुत सारा जो कुछ भरा, पिताजी का गम बहुत बड़ा है हमारे अंदर, और जिस दिन मैं रोऊंगा तो शायद वो कई घंटे तक रोऊंगा। अब वो पल कैसे भगवान लाएंगे हमको मालूम, लेकिन वो पल आएगा, किसी शूटिंग में आएगा या जीवन में, बहुत सारे पल आते रहते हैं, जीवन का काम है पल देना, सुखद और दुखद दोनों, साइकिल का पहिया है ना, सुख आगे दुख पीछे, सुख ही नहीं चलता रहेगा। तो वहीं हम बहुत रोएंगे और उस दिन हम बहुत रोएंगे, और मुझे लग पता नहीं कितना रोएंगे, लेकिन लगता है कि फिर तो रुकेगा नहीं, क्योंकि भरा बहुत है अंदर। क्यों ऐसा सवाल कर, तुम्हारे तो जितने सब भाग गए, जितने देखने वाले हैं सब बोले ये बड़ा, ये लोग तो बड़ा, लोग और ज्यादा जुड़ गए हैं। एनीवे, थैंक यू, ये बहुत इंटीमेट और बहुत पर्सनल सवाल था भैया। मेरा आखिरी सवाल है आप लोगों के लिए, एक आखिरी सवाल और होगा। मेरा आखिरी सवाल है भैया, ये बहुत पुराना सवाल है मेरा, आज तक को योग्य मिला नहीं पूछने को, और मुझे मुझे लगता है मेरे सामने जो शख्सियत बैठा है इससे ज्यादा योग्य और कोई है भी नहीं।
ये सवाल है इसलिए भी क्योंकि मैं खुद भी बिहार से हूँ और इसलिए भी क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ। भैया भोजपुरी खत्म हो चुका था, आपने पुनर्जन्म दिया है भोजपुरी को, रवि किशन ने जीवंत किया है भोजपुरी समाज को, भोजपुरी इंडस्ट्री को। फिर आपके पदचिन्ह पे बहुत सारे एक्टर सिंगर्स आए हैं, लेकिन जो दर्जा आपका है वो अभी तक उस लेवल पे कोई पहुंचा नहीं है। आगे पता नहीं, महादेव की कृपा होगी तो शायद कोई और आएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं है। सवाल यह है भैया कि जीवंत किया आपने, बहुत अलग लेवल पे लेकर गए, लेकिन आज भी बंबई में जब बात होती है इंडस्ट्री में तो भोजपुरी जो है वो मास के लिए कही जाती है। मैं मुझे बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स के फोन आते हैं, रीजनल गाने के लिए, गुजराती गानों के आते हैं, मैं गाता हूँ, बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं, क्या बोलते हैं, तमिल तेलुगु गाने के लिए आते हैं, और बड़े खुशी खुशी जाता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से फेसबुक पे पोस्ट भी करता हूँ कि आज मैंने यहाँ गाया वहां गाया। मेरा सवाल आपसे ये है क्योंकि आप बहुत तहे दिल से लगे हुए हैं भोजपुरी को 8वीं सूची में लाने के लिए, और हम सबका साथ और सपोर्ट है आपके साथ, वो दिन कब आएगा भैया जब एटलीस्ट मैं, ऐश्वर्य निगम जो एक बॉलीवुड का सिंगर है, जो मुन्नी बदनाम गाया हुआ है, या और भी कई सारे सिंगर्स या और भी एक्टर्स, वो दिन कब आएगा जब हम सीना ठोक कर ये बोल सकेंगे कि मेरा एक भोजपुरी गाना आया है? वो दिन कब आएगा जब सायराट से लोग भोजपुरी सिनेमा के सिनेमा का कंपेयर करेंगे? वो दिन कब आएगा जब भोजपुरी सिनेमा को भोजपुरी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसके लिए जाना जाएगा और पूजा जाएगा भैया? और ये आप, हमारी किस्मत है कि आप इस वक्त हैं और आप इस पोजिशन पे हैं कि जहां आप एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, ये मेरा सवाल है भैया आपसे। बहुत अच्छे, जल्दी आएगा। और बहुत अच्छा सवाल किया, 8वीं अनुसूची में भगवान ने चाहा तो आ जाएगा तुरंत ही। टाइम हमने प्राइवेट मेमोरेंडम बिल भी दिया है, और जब 8वीं अनुसूची में आएगा तो बहुत सारी अच्छे सिनेमा मेकर भी हैं जो बनाना चाह रहे हैं भोजपुरी। थोड़ा जैसे उत्तर प्रदेश सरकार बहुत मदद कर रही है, बिहार सरकार को भी चिट्ठी लिखे कि थोड़ा सा मदद फिल्म इंडस्ट्री को। जैसे महाराष्ट्र में कंपल्सरी है मराठी सिनेमा को एक शो दिखाना, और जितने भी मल्टीप्लेक्सेस, तो ऐसा एक समाधान आ जाएगा। तो और सिनेमा इंडस्ट्री अभी ये लॉकडाउन के बाद बहुत सारा मंथन भी हुआ है लोगों में, मुझे डेफिनेटली लगता है कुछ यंगस्टर्स आए हुए हैं सब लोग, उन लोग भी सोच, उनकी जीविका भोजपुरी है, हमारी तो महादेव, मैं तो वो सारे देश के सभी इंडस्ट्री में हम, हाँ हमको पाताल में भी कोई इंडस्ट्री होगी वहां पे भी महादेव बुलवा लेंगे, वहां भी एक्टिंग कर लूंगा आदिवासी की भी। तो हम बाकी लोग को जीना है भोजपुरी में, वो नहीं करेंगे तो लोग जिएंगे कैसे? और इंडस्ट्री एक बार बंद शुरू बड़ी मुश्किल से होती है, फैन फॉलोइंग ना के सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भोजपुरी की फैन फॉलोइंग यूट्यूब पे नंबर वन राइट नाउ, यू नो पीपल, बट उनको अच्छा स्टफ दीजिए, 1000 साल पुरानी इसकी संस्कृति है और लोग इसका लिटरेचर भी है, और भोजपुरी भाषा को इस्तेमाल किया जाता अंग्रेजों के टाइम पे कोर्ट में भी, बिहार में पटना में भी यूज, यू नो, तो इसको ईपी मिल जाए, इसको एक ईपी मिल जाए तो लोग रिफाइंड लोग होंगे, एंड आई एम श्योर ये इंडस्ट्री अब जाएगी नहीं। मैं महादेव की कृपा से जवान हूँ, तंदुरुस्त हूँ, फिट हूँ, 6 पैक ऑलमोस्ट आ चुके हैं, मैं कोई एक रॉकस्टार फिल्म लेके आऊंगा लॉकडाउन के बाद, और कुछ जो 2-3 कहानियां भी हैं, और गोरखपुर में शूटिंग करूंगा, और मैं जो जो तुम्हारे अंदर अभी थॉट चल रहा है वो सारी थॉट्स को शांत करेंगे, और यू गोइंग टू सिंग इन दैट फिल्म, और ओपन रे 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 हर हर महादेव प्रोड्यूस करूंगा उसको, आई एम गोइंग टू डायरेक्ट द फिल्म, और कुछ अच्छा करेंगे, बहुत छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज इस खेत को इतने मेहनत से मैंने जोता है एक फार्मर की तरह, किसान भोजपुरी सिनेमा को, इसके मृत्यु और अच्छे अच्छे मेरे जितने जूनियर कलाकार हैं जो आज स्टार सुपरस्टार हैं सब प्रेम करते हैं, सब पर लूंगा सभी, दोनों एक लॉन्ग टेबल चैट होना चाहिए सबके साथ कि वेकअप बॉयज, अभी आप लोग सब लोग, यू नो इट्स हाई टाइम, एक ही हिमाचल फिल्म थी उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, उदित नारायण भैया ने बनाई थी, कब हुई कौन हमार, उसके बाद भोजपुरी को राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला, हमारी फिल्म को मॉरिशस में आई शॉट दैट फिल्म, सो उसके बाद कुछ थॉट लाना है, आ जाएगा, आई लव देम, आई लव दिस लैंग्वेज, क्योंकि हमारी माँ की बोली, यही मेरी पहचान है,
हिंदी सिनेमा पिता है जिसने मुझे ट्रेन किया, भोजपुरी ने मुझे सर्वस्व जन्माया, पूरे विश्व में जन्माया। तो वर्शिप दिस इंडस्ट्री, आई वर्शिप दिस लैंग्वेज, आई वर्शिप एवरीबॉडी जो जो इसके पार्ट हैं। लेकिन थोड़ा सा ये कुछ एल्बम के गानों की वजह से, वो सिनेमा के नहीं है, एल्बम के गाने की वजह से उसको बड़ा ओछा, अश्लील और अजीब अजीब सा देखते हैं। बट वो धारणा बदल और बदल जाएगी कुछ समय में भी। बट हम लोगों को दो चार अच्छी फिल्में, सैराट जैसी संजीदगी फिल्में, मराठी सिनेमा ऑस्कर तक जाता है, और केरला की फिल्में जाती हैं हमेशा, मलयालम फिल्में नेशनल अवार्ड ले आती हैं, साउथ की फिल्में तमिल जाती हैं ऑस्कर तक। तो ये इतनी इंडस्ट्री है, लेकिन ये वैसे पा नहीं रही। थोड़ा सा विचारधारा बदलनी होगी। दो चार लोगों को आप अपने इंटरव्यू में भी बुलाइए, उनसे भी सवाल करिए। थोड़ा वेकअप कॉल सबको देना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कि पैसा कमा लिया और आपने जीवन कमा लिया। आप सोसाइटी को देके क्या जा रहे हैं, समाज को देके क्या जा रहे हैं, वही बहुत बड़ी पूंजी। आने वाली जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं। दाल रोटी सबके पास है, कुत्ता भी कहीं मुंह मार खा लेता, भूखे। महादेव की कृपा, ये भारत की धरती ऐसी ब्लेस्ड है, इस पे इतनी कृपा है कि सबको अनाज तो मिलता, बट क्या वही है, गाड़ी घोड़ा, इससे निकलना होगा। क्योंकि वो व्यक्ति हूं जिसके पास कुछ नहीं था जी, बोलने का थोड़ा अधिकार रखता कि मैं नथिंग, मेरे पास एंड ओन फाइट। हमको ऐसा टच, पीठ को भी टच नहीं किया कि बेटा आगे चले जाओ, स्वयं को हम खुद ही ऐसा धक्का मार के आगे ले जाते, हमारी पीठ कोई सहारा नहीं किया। तो महादेव महादेव करके खुद ही को बोला जाए, आओ कौन है। तो वो डायलॉग फिर एक एक होता ना कि ना 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, ना 20,000 की गड्ढी राघव को खरीद सकती है, क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं राघव। तो ये तब निकलता है, वो माल बनाते हैं और माल परोसा जाता है पूरे देश में, है ना। थैंक यू वेरी मच भैया, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए अब सेशन खत्म होने वाला है और अब जाकर नेटवर्क थोड़ा वीक हुआ है। मेरे सवाल खत्म हो गए हैं। डू वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? ऑडियंस से एक सवाल है, भविष्य की क्या योजना है? भविष्य की सेवा करना है, गोरखपुर में एक फिल्म इंडस्ट्री एक बनाना चाहता हूँ, जाकि जो बिहार यूपी के बच्चे, यूपी पूर्वांचल के बच्चे, जिनके लिए बहुत महंगा है मुंबई शहर, दिल्ली शहर, वो लोग वहीं रहे, ट्रेंड हो। अनगिनत रवि किशन निकले वहां से, FTI जैसा एक रंगमंच का, वहां हम लोगों ने बहुत अच्छे, हमारे CM साहब ने, महाराज जी ने अच्छे ओपन थिएटर्स बना दिए, रंगमंच के थिएटर्स बड़े बन गए, रंगमंच वालों का भविष्य बहुत बड़ा। अब वहां शूटिंग करना, क्योंकि ऐश्वर्या पाइएगा, बहुत सुंदर है गोरखपुर, अच्छी फर्टिलाइजर है, चीनी कारखाना है, 4 लेन्स है, बहुत ही सुंदर मंदिर है गोरक्षनाथ बाबा का। अब जहां कैमरा रखोगे, जहां एंगल लगाओगे, वहां एक सिनेमा बन जाएगा, इतनी सुंदर जगह है। पांचों विधानसभा वहां बहुत अच्छा है, वहां खेत अच्छे हैं, खलियान अच्छे हैं, पेड़ अच्छे हैं, लंबे लंबे गांव हैं, शूटिंग की स्थान है। मैं चाहता हूं वहां पे शूटिंग, वहां रोजगार मिले लोगों को और बहुत सारे कलाकार ट्रेंड करूं और सेवा करता रहूं जैसे मैं कर रहा हूं। ये जो मुझे 5 साल दिया है, मैं अपना तन मन सर्वस्व लगाऊं और हमारे मोदी जी पे, योगी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे कोई कलंक ना लगे, यही भगवान से, महादेव से ऐसा कोई काम ना हो कि कोई कलंक दाग लगे। बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूं भैया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय दिया। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं यहाँ जितने लोग हैं, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, दीपाली की तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। ये 5 साल जो है वो 5-10 में बदले, 10-15 में बदले, 20 में बदले, क्योंकि आपके एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि आज के पॉलिटिक्स में जैसे आप हो वैसे ही रहना है, तो मुझे लगता है आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आप यहाँ आए और हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। एंड वंस अगेन अ वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच भैया। हारा हारा महादेव शंभो।
जय जय, ठीक है, मजा।